मैं सबसे अलग हूँ। बचपन में मेरे दोस्त लोग कहते थे, अब मेरे आसपास के लोग कहते हैं। सब पूछते हैं, आप इतना अनुशासन में कैसे हैं? मेरा आदत ही ऐसा है, जब मैं बाजार जाता हूँ तो सामान लेने के लिए थैला लेकर जाता हूँ और दूसरों को भी सलाह देता हूँ। सोहन, थैला कहाँ है? सामान किस में लाओगे? दुकान में पॉलिथीन मांग लेंगे। नहीं यार, हम लोगों को पॉलिथीन का इस्तेमाल कम करना चाहिए। अच्छा ठीक है, लेकर आता। मैं बाजार में सामान पॉलिथीन में नहीं थैला में ले लेता हूँ। हमारे देश के अधिकतर लोग कहीं भी कभी भी कुछ भी फेंक देते हैं। मैं हमेशा कूड़ेदान का इस्तेमाल करता हूँ। मैं शौच के लिए शौचालय का इस्तेमाल करता हूँ। हमारे गांव के अधिकतर लोग शौच के लिए खुले में जाते हैं। मैं उन लोगों को भी सलाह देता हूँ। कुछ लोग मान जाते हैं और कुछ लोग कहते हैं। राजू भैया, सुबह सुबह कहाँ चले? जा रहा हूँ खेत तरफ हल्का होने। हल्का होने के लिए तो सरकार घर घर में शौचालय बनवाई है ना? शौचालय इस्तेमाल करने का आदत। मैं शौच के बाद खाना खाने से पहले और खाने के बाद साबुन से हाथ धोता हूँ। मैं एक प्राथमिक विद्यालय का शिक्षक हूँ। विद्यालय में बच्चों को स्वच्छता के बारे में बताता हूँ, शौच के लिए शौचालय का इस्तेमाल करने का सलाह देता हूँ, विद्यालय के आसपास कचरा फैलाने से मना करता हूँ और विद्यालय को साफ सुथरा रखने का प्रयास करता हूँ। मेरा साफ सुथरा रहने का आदत बचपन से ही है। घर में पापा मुझे कचरा फैलाने से मना करते थे और शौच के लिए शौचालय ले जाते थे। एक दिन मैंने पिताजी से पूछा, पापा हम लोग ही स्वच्छता पर ध्यान क्यों देते हैं? और लोग भी तो गंदगी फैलाते हैं, खुले में शौच करते हैं। बेटा, दूसरे से क्या मतलब है? हम लोगों को अपना घर साफ रखना चाहिए और अपने आप को स्वच्छ बनाना चाहिए। अपना घर जैसे या पृथ्वी देश भी तो हमारा ही घर है, तो दूसरों से क्या मतलब। मैं अपना घर को साफ रखता हूँ। आप लोग भी अपना घर को साफ रखने की आदत बनाइए और सक्षर बने। और आइए हम सब मिलकर एक स्वच्छ भारत निर्माण का संकल्प लें।